हाय एवरीवन, जय बालाजी, वेलकम बैक टू कोड राइटर। स्वागत है फिर से एक वीडियो में। सर, आज हमारे साथ फिर से एक बारी है हमारी फेवरेट हिमालयन 452। तो बिल्कुल ये लोडेड हो चुकी है। तो जब ये आई थी तो बिल्कुल ही मीन्स इसमें कुछ भी लोडिंग नहीं थी। तो इसको लोडिंग करवाने के बाद जितनी भी एसेंशियल चीज़ें थी हमने इसमें लोड करवा दी हैं। पर जो इस बाइक की लुक है, इस बाइक की लुक को एनहेंस करती हैं ये सारी चीज़ें और इस बाइक को और ब्रॉड दिखाती हैं। तो इसमें क्या क्या हमने इंस्टॉलेशन कराया, छोटी से छोटी चीज़, बड़ी से बड़ी चीज़, सब कुछ आपको बताएंगे इसमें डिटेल में। तो यार वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और चैनल को, यार नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो यार विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो चलो, आज हम एक बार फिर से गौरव भाई के चैनल के ऊपर आ चुके हैं, कोड राइडर के चैनल पर आ चुके हैं। और भाई ने एक रिक्वेस्ट करी थी कि हाँ भाई, आपने हिमालयन परचेज करी और उनको भी ये बाइक परचेज करनी है आगे चल के। उनका भी मन काफ़ी है इस बाइक को परचेज करने का। तो बाइक जो है मैंने पूरी लोड कर रही है और उनका ये था कि हाँ भाई, इसके ऊपर एक वीडियो बना लेते हैं कि आपने कौन कौन सी एक्सेसरीज लगवाई है और हिमालयन ओनर्स जो है उनको कौन कौन सी एक्सेसरीज लगानी चाहिए अपनी बाइक के अंदर, ताकि आपकी जो बाइक है पूरी लोड लगे। तो भाई चलो, एक बार मैं फ्रंट से चालू करना चाहूँगा इसको, क्योंकि फ्रंट से जो है काफ़ी अच्छा रहेगा। तो भाई सबसे पहले अगर फ्रंट में बताऊँ तो आपको यहाँ पर दिख रही होगी विंडशील्ड। इस विंडशील्ड की अगर मैं ब्रांडिंग बता दूँ तो कार्बन रेसिंग की विंडशील्ड आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। कार्बन रेसिंग की तरफ से आपको विंडशील्ड देखने को मिलती है। स्टॉक विंडशील्ड से काफ़ी बड़ी और काफ़ी मतलब बल्कि देखने में लगती है, और जो क्वालिटी है वो भी काफ़ी बढ़िया। अगर मैं इसको ऐसे करके दिखाऊं तो आपको साउंड से ही पता चल गया होगा, जो इसका ये ग्लास है या प्लास्टिक जो भी आप कहोगे मिक्स है, काफ़ी हैवी है। सो ये जो विंडशील्ड है आपको काफ़ी हेल्प करती है। मतलब अगर आप बाइक राइड करोगे ना, तो बाइक राइड करते वक्त जब आप बैठे हो तो आपके चेस्ट के पास जो है विंड काफ़ी आती है आगे से, अगर नॉर्मल आप बाइक चलाओगे। बट इस विंडशील्ड के बाद थोड़ी सी माइलेज तो ड्रॉप होगी, बट जो विंड से आप बाइक चला चलाते काम जाते थे ना, उसका जो प्रॉब्लम है आपका खत्म हो जाएगा। सो ये विंडशील्ड भाई मैंने लगवाई थी कार्बन रेसिंग की अपनी बाइक में एक्सेसरी, और ये लगवाना बहुत ही ज़रूरी है अगर आप टूरिंग वगैरह करते हो। देन उसके बाद भाई आप लोगों को यहाँ पे दिख रहे होंगे हैंड गार्ड्स, हैंड गार्ड्स कह लो, लीवर गार्ड्स कह लो, कुछ भी आप इसको बोल सकते हो। और ये हैंड गार्ड्स भी लगवाना काफ़ी ज़रूरी है। उसके मैं दो रीज़न आप लोगों को बताता हूँ। पहला रीज़न ये जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इनकेस क्रैश होता है, चाहे आपकी बाइक खड़े खड़े भी गिरती है ना, तो ये जो हैंड गार्ड से आपके लीवर को बचा देंगे। क्योंकि भाई देखो, लीवर्स भी सस्ते नहीं आते, काफ़ी महंगे आते हैं। और अगर आप टूरिंग के टाइम पे हो, कैसे रिमोट एरिया में हो ना, और वहाँ पे बाइक गिर जाए, तो वहाँ पर लीवर्स तो भाई आप ढूंढ ही नहीं पाओगे, सर्विस सेंटर ही मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो उस वजह से आपको ये हैंड गार्ड्स लगवाना जरूरी है। और दूसरा पॉइंट अगर मैं आप लोगों को बताऊँ, तो अगर आप राइड करो तो आपके हाथ यहाँ पे रखे हुए हैं, तो आपके हाथ अगर यहाँ पे रखे होंगे ना, तो आपने नॉर्मल ग्लव्स भी पहने होंगे, तो इसकी वजह से विंड भी जो है वो आपके हाथों में नहीं लगेगी। तो कहीं ना कहीं ठंड के टाइम पे आपको हाथों में ठंड भी काफ़ी कम लगेगी। तो ये हैंड गार्ड्स लगवाना काफ़ी ज़रूरी है, क्रैश से भी आपको बचाएगा, लीवर भी प्रोटेक्ट करेगा, और साथ ही साथ जो आपके हाथ है उसको ठंड से भी ये बचाने वाला है। और आगे ही खड़े हैं तो भाई आगे एक चीज़ और है छोटी सी, ये हेडलाइट ग्रिल। वैसे देखा जाए तो हेडलाइट ग्रिल की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, पर हाँ कहीं ना कहीं मैंने लुक के लिए इसको लगाया है। बट लुक के अलावा देखा जाए तो भाई कोई पत्थर वगैरह अगर आगे से उड़ के आ रहा है, क्योंकि हम राइड करते हैं तो भाई ग्रुप राइड कर रहे हैं या फिर सोलो राइड भी कर रहे हैं, तो ट्रक से पत्थर उड़ के आ सकता है, बाइक से पत्थर उड़ के आ सकता है, कार से पत्थर उड़ के आ सकता है। तो पत्थर उड़ के जब यहाँ पे आएगा तो देखो, कांच तो टूटता नहीं है ना, आज तक मैंने सुना कि किसी की हेडलाइट टूटी हो ऐसे, बट हाँ फिर भी प्रोटेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ भाई ये लगाया तो भाई कोई हाथ नहीं मार पाएगा, कोई पत्थर छोटा भी उड़ के आ रहा है ना, तो स्क्रैच भी इस पर नहीं लगेगा। तो लुक के साथ साथ भाई आपके हेडलाइट को प्रोटेक्ट कर रहा है। सो भाई फ्रंट में आपको यहाँ पे एक चीज़ और दिख रही होगी, ये है एक्स्ट्रा ऑक्स लाइट्स, फॉग लाइट्स, कुछ भी आप इसको कह लो। तो ये ऑक्स लाइट्स मैंने लगवाई है, क्योंकि भाई देखो, मैं जनरली इस बाइक को, मेरे पास 390 भी है, पर मैंने इस बाइक को ऑन करा है, परचेज करा है, क्यों, टूरिंग करने के लिए। और टूरिंग में जब हम हाईवे पर जाते हैं तो चाहे हिमालयन हो चाहे कोई भी अदर नॉर्मल बाइक हो, जो स्टॉक लाइट्स होते हैं वो उतना आपको कह लो रोड ब्राइट करके नहीं दिखाती। सो उस वजह से मैंने थोड़ी पावरफुल 70 वॉट ईच लाइट है, ये दोनों मिला के 140 वॉट हो जाते हैं, तो मैंने एक्स्ट्रा ऑक्स लाइट्स लगवाई, ताकि भाई रोड पर अगर मैं चलूँ तो मुझे क्लियर सब कुछ सामने का दिख पाए। और प्लस इसमें आपको येलो लाइट्स भी देखने को मिलती है, जो आपको फॉग के टाइम पे काफ़ी हेल्प करती है। सो दो चीज़ें आप कह लो, रोड भी काफ़ी अच्छा दिखेगा, प्लस अगर फॉग में आप राइड कर रहे हो तो आप येलो कवर साथ में लगा दो, तो आपको वहाँ पे भी काफ़ी हेल्प हो जाती है। देन उसके बाद अगर आप थोड़ा सा उस साइड से आओगे तो आपको यहाँ पे क्रैश गार्ड दिख रहा होगा जाना का। तो भाई जाना का क्रैश गार्ड मैंने लगवाया था, सबसे पहले मैंने क्रैश गार्ड ही लगवाया था अपनी बाइक में। तो जाना का क्रैश गार्ड मैंने यहाँ पे लगाया था हिमालयन के अंदर, और ये क्रैश गार्ड जो है मैंने ऑनलाइन प्री बुकिंग पे ऑर्डर करके मंगवाया था, और मैं ये भाई बोल सकता हूँ कि पहला क्रैश गार्ड भाई मैंने ही लगवाया है जाना का। तो जाना का क्रैश गार्ड मैंने अपनी बाइक में लगाया था, और ये क्यों लगाया उसका रीज़न ये था, क्योंकि और भी अदर क्रैश गार्ड, सबसे पहले मोटोटॉक ने अपना क्रैश गार्ड लॉन्च कर दिया था,
बट मुझे उनका उतना अच्छा नहीं लगा। ये क्रैशगार्ड मुझे काफी पसंद आया था तो जाना ही क्रैशगार्ड लगाया था। और क्रैशगार्ड भाई जाना को चाहे कोई भी अदर कंपनी का हो लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो क्रैशगार्ड थे ना भाई वो एक्सीडेंट के केस में, क्रैश के केस में आपका जो ये टैंक है, टैंक का एरिया हो, चाहे वो इंजन का एरिया हो, चाहे ये फुट रेस्ट हो, चाहे ब्रेक हो, ये आपकी हर चीज़ को कवर कर देता है। मतलब क्रैश गार्ड अगर आपको लगा है ना तो आपकी बाइक पे छोटे मोटे स्क्रैच अगर आ गए तो आगे, अदरवाइज क्रैश गार्ड पूरा इंपैक्ट अपने ऊपर झेल लेता है 90%। तो क्रैश गार्ड हम लोगों ने लगवाए थे जाना के। देन उसके बाद भाई सैडल्स से, सैडल्स से आप लोगों को यहाँ पे दिख रहे होंगे, ये सैडल्स से मैंने टफविन से लगवाए थे करोल बाग से। इसका कॉस्ट मुझे अराउंड 2000 रुपये आया था। तो सैडल्स से का वैसे मूड नहीं था, बट हाँ सैडल्स से हमने लगा ली क्योंकि बैक का जो एरिया उसको तो प्रोटेक्ट करना है। बैग वगैरह शायद मैं यूज़ ना ही करूँ, बट हाँ बाइक को लोड भी करना है, लुक भी चाहिए, प्लस एग्जॉस्ट है चाहे बैक का एरिया उसको भी प्रोटेक्ट करना है, तो उस वजह से मैंने सैडल्स से लगवाए थे। और सबसे मेन चीज़ भाई टॉप बॉक्स। सर टॉप बॉक्स मैंने लगवाया था, वैसे तो मैं जब करोल बाग गया था तो उस टाइम पे ये था कि हाँ भाई चलो टॉप प्लेट लगा लेते हैं, देन बैग वगैरह से बन जाते हैं नॉर्मली जनरली जैसे सब करते हैं। बट भाई एक टूरिंग बाइक है और उस पर टॉप बॉक्स ना लगाओ तो यार कह लो बिल्कुल मज़ा नहीं आने वाला। सो टॉप बॉक्स लेने का सबसे बड़ा रीज़न ये था, जो कि मैं लास्ट 3-4 साल से बाइक राइड कर रहा हूँ, ट्रैवल कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे फील होता है कि भाई बारिश के टाइम पे ना थोड़ी सी दिक्कत होती है। और दिक्कत क्या होती है, दिक्कत ये नहीं होती कि भाई हम लोग गीले होंगे, हम तो रेनकोट पहन लेते हैं भाई, गीले हो भी गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट जो हमारे साथ इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं, जो कैमरा गियर्स होते हैं भाई, उसको बचाना होता है बहुत ज़रूरी। सो ये टॉप बॉक्स लगाने का सबसे बड़ा रीज़न वही था, लैपटॉप है, इलेक्ट्रॉनिक गियर है, वो इसके अंदर डाल दो, पूरा वाटर प्रूफ है, पैक कर दो, पानी की एक बूंद अंदर नहीं जा सकती भाई, एक बूंद। मैं कह रहा हूँ खाना गर्म छोड़ दो, 3 घंटे बाद भी आपको गर्म ही मिलेगा, क्योंकि भाई एयर आने जाने का कोई जगह ही नहीं है यार इसके अंदर, बिल्कुल जगह नहीं है। मतलब टॉप बॉक्स अगर आप लगवा रहे हो तो आपके इलेक्ट्रॉनिक कैमरा गियर सेफ है, अगर आप नॉर्मल राइड करते हो तो हाँ आप चाहो तो लगवा लो, वरना मतलब वो आपकी मर्जी, बट मेरे हिसाब से लुक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स इसमें आपके सेफ हैं। इस वजह से मैंने भाई एक टॉप बॉक्स जो कह लो आप उसको मैंने लगवाया था। तो ये कुछ एक्सेसरीज जो है मैंने अपनी बाइक में लगाई थी। देन उसके बाद एक चीज़ मैं मिस कर रहा हूँ यहाँ पे, वो आप फ्रंट में जो हम थे वो मैं बताना भूल गया, रेडिएटर ग्रिल। तो आपको यहाँ पे रेडिएटर ग्रिल दिख रही होगी, इस पर भी हिमालयन की ब्रांडिंग हुई पड़ी है, ये भी मैंने करोल बाग से ही लगवाया है। सो ये जो है आपका जो रेडिएटर है उसको प्रोटेक्ट कर देता है, क्योंकि अगर आप पत्थर वगैरह मतलब ऑफ रोडिंग कर रहे हो तो पत्थर उसमें उड़ के आते हैं फ्रंट टायर की वजह से या मिट्टी आती है, तो उस वजह से क्या होता है रेडिएटर ब्रेक होने का चांस होता है। अगर हैवी मिट्टी जाएगी तो रेडिएटर चौक हो जाएगा, तो चलना बंद हो जाएगा, तो रेडिएटर का खर्चा अलग आएगा। सो अगर प्लेट लगी हुई है ना तो भाई पत्थर और मिट्टी दोनों बचाएगी, जिस वजह से क्या है आपका रेडिएटर जो काफ़ी मतलब लंबा चलेगा। क्योंकि मैं अभी इस टाइम पे ड्यूक में ये चीज़ फेस कर रहा हूँ, उसमें देखो रेडिएटर ग्रिल नहीं लगा रखी, तो मेरे रेडिएटर में प्रॉब्लम आ रही है ड्यूक में, तो उस वजह से मैंने सोचा भाई इसके रेडिएटर को दिक्कत नहीं देनी, तो इस वजह से मैंने इसमें रेडिएटर ग्रिल जो है लगवा ली। बस यही है कुछ छोटे मोटे एक्सेसरीज मैंने अपनी बाइक में लगाई है और आपको दिख रहा होगा प्रॉपर, बट कुछ छोटी मोटी चीज़ें और है जैसे आप इसमें दिखा सकते हो, ये ऑयल सील कवर मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, ये फ्रंट का हो गया, यहाँ पे बैक का होगा, ये यहाँ पे इसको भी, मतलब ये 3 चीज़ें मैंने लगाई है। मतलब यही है कुछ छोटी मोटी चीज़ें कह लो, बाकी अब तक तो मेरे हिसाब से मुझे लगता नहीं कि इसमें और चीज़ मुझे लोड करने की ज़रूरत है। वैसे लोड करना जाए तो भाई अभी भी मैं कह रहा हूँ बहुत कम चीज़ें लोड करी हुई है, बट जितनी एक बाइक को नीड है टूरिंग के लिए, ट्रैवल पर्पज़ के लिए, मेरे हिसाब से उतनी मैंने लोड कर दी, मेरे ख्याल से उससे ज़्यादा ही कर दी होगी टूरिंग पर्पज़ के हिसाब से। बट हाँ ये कुछ मिनिमम एक्सेसरीज जो है मैंने लोड करी है, छपरी थोड़ी बनाना है भाई, पूरी हिसाब से स्टिकर भर दो, वो कर दो, लोड कर दो। एक नॉर्मल डिसेंट बाइक को मैंने बनाया है, ब्लैक और गोल्डन, आपको पता है भाई कॉम्बिनेशन आ रहा है हिमालयन में, अगर आप चारों तरफ से ओवरव्यू दिखाओगे 360 तो आपको दिख रहा होगा, हाँ भाई जो लुक है बाइक की क्या ही खतरनाक लग रही है। मतलब एक बार 360 ओवरव्यू दो, अलग ही चीज़ मतलब आप लोगों को यहाँ पे दिख रही होगी, बाइक एक अलग ही खतरनाक लग रही है। और मैंने भाई अभी तक मेरे हिसाब से जो मेरी बाइक है ना, इससे अच्छी लोड बाइक नहीं देखी स्टॉक के अंदर। मतलब बस यही था यार कुछ जो मैंने अपनी बाइक में लोड कर रखा है, होप यार आपको भी ये चीज़ अच्छी लगी होगी। अब पहले इसको एक राइड मार के दिखाते हैं और आपको लुक दिखाते हैं इस बाइक की। क्या तगड़ी लुक आ रही है इस बाइक की, और दीज आर द एसेंशियल, मतलब इसमें हमने कुछ एक्स्ट्रा नहीं लगवा रखा, जितनी एसेंशियल चीजें हैं सिर्फ वही लगवाई हैं इसमें। होप यार इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी, तो इस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड, ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे।
तो जाते थे वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमारे चैनल पे आते रहेंगी। तो कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।